हेलो। हाँ जी मोटर से ये जी सर से बात हो जाएगी जी? आप कहाँ से? सर मैं मुरैना से बोल रहा हूँ। क्या सर? मैं एक स्टूडेंट हूँ और आप एजी सर बोल रहे हैं क्या? रुकिए रुकिए, एक मिनट जरा लाइन पर रहिए। एजी सर बात कर रहे हैं? नहीं एजी सर तो नहीं, उनके पीए से बात हो रही है। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि सर मैं वर्ग 2 में सर चयनित हूँ माध्यमिक में ट्राइबल डिपार्टमेंट में। सर ट्राइबल डिपार्टमेंट के लिए की तरफ से आपके लिए सर लेटर भेजा गया था कि क्योंकि 18 को बोर्ड के द्वारा 14% पेनलाइज थे भर्ती के, तो उन्होंने भेजा हुआ है और हर बार हम बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि आपकी ऑफिस से मतलब जवाब नहीं आया, करीबन एक महीने से यही बोल रहे हैं वो। केस नंबर है कुछ सर? कैसा हाई कोर्ट केस नंबर है कि केवल खाली लेटर से बात कर रहा है? क्या है केस नंबर? हाई कोर्ट में कोई केस लगा हुआ है? नहीं, हाई कोर्ट में जो ओबीसी आरक्षण का केस था ना ये 27% वाला, तो फिर हाई कोर्ट ने 14% पर निर्देशित किया था जबलपुर ब्रांच ने, तो उसके कारण उन्होंने क्या है हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट तो जारी कर दी उन्होंने 27% पे, लेकिन हमारे जो ज्वाइनिंग लेटर थे उसको उन्होंने लटका के रखा है इसी वजह से कि आप एडी सर की ऑफिस से जब कोई जवाब आ जाएगा कि हमको मतलब उनसे उनसे मतलब पूछा गया कि कितने पे हम भर्ती कर सकते हैं इसमें कोई दिक्कत ना हो, तो उसके लिए वो एक महीने से बोल रहे हैं वहाँ से वो डिले कर रहे हैं, वो दे ही नहीं रहे जवाब हमको। रुकिए रुकिए, एक मिनट लाइन पर रहिए। Thanks for your call. Please stay on the line. हेलो हेलो, नमस्कार सर। हाँ जी, ये जी सर बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं उनका पीए बोल रहा हूँ। जी सर, सर मैं ट्राइबल डिपार्टमेंट में चयनित अभ्यर्थी हूँ सर वर्ग 2 में। हमारी जो मेरिट लिस्ट थी सर 27 पे जारी हुई थी और 18 तारीख को जब फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई, लेकिन जब 18 तारीख को हाईकोर्ट जबलपुर के द्वारा 14% पे आदेश आया तो उन्होंने वो हमारे जो ज्वाइनिंग लेटर थे स्कूल अलॉटमेंट लेटर थे वो जारी करने से मना कर दिया कि एजी सर की ऑफिस में मतलब उनसे राय ली जाएगी, उस राय के अकॉर्डिंग ही हम भर्ती कर पाएंगे, तो करीबन एक महीने से वो ये बोल रहे हैं कि वहाँ से डिले किया जा रहा है इसीलिए हम आपकी ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे पा रहे अभी आपको। तो सर मैं आपको तब वो वहाँ गवर्नमेंट लेवल पे होता है वो डिसीजन, क्या ओपिनियन गवर्नमेंट में जाएगा, गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेगी उसके ऊपर डिपेंड करता है, आपको कैसे यहाँ पे एकदम से कर सकते हैं? उनका यही कहना है कि गवर्नमेंट की तरफ से तो हमको मतलब यही है कि नहीं नहीं, मगर आपको कुछ बता थोड़ी सकते हैं हम लोग, है ना? नहीं सर हमें तो नहीं बता सकते आप, पर आपकी रिक्वेस्ट है कि जो भी आपका ओपिनियन है कि आप 27 पे दे रहे हैं या 14 पे, तो उस ओपिनियन के अकॉर्डिंग उनको वो बोल रहे एक महीने से बोल रहे कि वहाँ से हमें डिले हो रहा है, एक महीने से करीबन यही बात उन्होंने बोला कि वहाँ से डिले हो रहा है, नहीं तो हम आपके तुरंत कर देते। अब ये हमें नहीं मालूम यार वहाँ वो लोग क्या बोल रहे हैं, तो ये हम लोग कैसे बता सर? आपकी कंसीडरेशन में नहीं है ये मतलब ये भी प्रकरण है? नहीं, वो तो ओपिनियन तो दिया होगा नहीं दिया होगा ये हमको अभी पता करना पड़ेगा, है ना? सर देखिए सर, हम 5-6 हजार लोग तो हम ये नहीं, है हम के सब, और आप नहीं, नहीं आपकी हम सारी समस्याओं से ये करते हैं क्या, मगर क्या है कि जो प्रोसीजर है सरकारी चीजें हम आपको नहीं बता सकते हैं। मैं ये भी बात नहीं है, नहीं मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमें बताएं, लेकिन सर जो भी जवाब है वो मतलब आपके द्वारा अभी तक मतलब क्यों डिले हो रहा है ये थोड़ा सा। अब वो विभागीय स्तर पे एजी साहब की क्या बात हुई है गवर्नमेंट से, हम लोग थोड़ी उसके बारे में बता सकते हैं उनकी क्या बातें हुई हैं, तो है ना? हाँ सर, तो ये उनके और उन्हीं के बीच में रहता है विभाग के बीच में, इसीलिए सर तो मैंने एजी सर से तो हम लोग को बातें नहीं पता लग पाती है। वो तो सही बात है सर, नहीं लेकिन एक यही बोला गया कि एजी ऑफिस से डिले हो रहा है तो उसका एक ये है, मैंने तब उनकी देखिए उनकी एजी साहब की वहाँ सेक्रेटरी एक्टिविटी से चीफ सेक्रेटरी से अगर बात हुई होगी तो अब हम लोग क्या बताएं उसके बारे में, उनकी क्या बातें हुई हैं, तो
है ना। वहाँ पे भी आयुक्त महोदय उनने भी यही जवाब दिया था, मंत्री जी के पीए से उनको भी यही जवाब दिया था हमारे सामने कि मतलब एडी सर की ऑफिस में राय लेने के लिए भेजा है, वहाँ से जैसे ही आता है हम आपके ऑर्डर इश्यू कर देंगे और वहीं से डिलो हो रहा है। अभी भी मैंने ट्रैवल डिपार्टमेंट अभी फोन पर लगाया सुबह, तो उन्होंने यही बोला था कि एडी सॉफ्ट ऑफिस से जैसे ही जवाब आएगा वैसे ही हम जारी कर देंगे। तो वो बोले कि उन्हीं की तरफ से डिले हो रहा है, जल्दी मैं पता करके देखूंगा, है ना। तो सर मैं आपको कब कॉल करूं सर? अब आप अभी एकदम से कॉल मत करिएगा, तो रुक के कॉल करिएगा सर। हमें सर सर हम आपसे आपकी सारी समस्या से अवगत है, मगर अब हम क्या करें, हम लोग कुछ नहीं कर सकते ना उसमें। नहीं सर, राय देने जैसे अब हमें ये भी पता होता कि मंत्री लेवल से ही होगा तो हम आपको भी कॉल नहीं करते।